हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेकेवल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें दो नंबर्स का रेशियो हमें दे दिया रहेगा, कि जिन क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स का रेशियो दे दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि एक नंबर पे हमने कुछ ऐड कर दिया और वही चीज़, यही एक्स जो एक्स ऐड किया है, वही चीज़ दूसरे नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो नंबर्स का रेशियो हो जाता है वो कुछ नया रेशियो बन जाता है। तो फ्रेंड, ये किया जाएगा, ये सारे प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद में पूछने का, तो फ्रेंड हमारा कुछ भी पूछ सकता है कि पुराना नंबर क्या था, नया नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर्स कुछ भी पूछ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई दे ना, तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने की आज एक हम धमाकेदार ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से इसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, तो मतलब रेशियो में हमारा 2:3 के रेशियो में है। उसके बाद दो टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब इसमें से बोल रहा है कि दो सब्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे हमने वहाँ पे एक्स लिया था, यहाँ एक्स की वैल्यू दी गई, तो और दूसरे में दो ऐड किया गया है। अब फ्रेंड अगर अलग अलग किया गया रहेगा तो हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें बेसिक मेथड जाना पड़ेगा जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर बेसिक मेथड भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो ये हो गया, उसके बाद नया नंबर हमारा बन जाता है 1:2 के रेशियो में। अब पूछ क्या रहा है, सम ऑफ द नंबर्स, नंबर्स मतलब ये जो पहले नंबर्स थे उनका, तो इनको सॉल्व करने की ट्रिक जो है फ्रेंड, कि ये जो फर्स्ट रेशियो इसका फैक्टर, तो फैक्टर क्या होता है फ्रेंड, जैसे कोई रेशियो होता है जैसे a:b है, तो अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तो हम इसमें एक फैक्टर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही वैल्यू हो जाएगी a के करस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो ये नंबर्स होते तो उनका रेशियो था, तो अगर नंबर चाहिए होते तो एक ए एक्स हो जाता और दूसरा बी एक्स हो जाता, तो यही हमारा फैक्टर। तो यहाँ पे जो एक्स है वही हमारा फैक्टर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फैक्टर होगा वो एक्स, वो हम फैक्टर ही निकालेंगे। अगर फ्रेंड फैक्टर निकल गया तो उसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम फैक्टर निकालने की ट्रिक देख रहे हैं। तो इसमें इस ट्रिक से हमें फैक्टर निकलेगा, तो यहाँ हमारा एक्स है, ये क्या निकलेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो सेकेंड रेशियो रहेगा ना उसको हमें ऐड कर देना, तो यहाँ 2+1 3 हो गया। अब इनटू जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया रहेगा, ये हमेशा फ्रेंड सेम ही रहेगा, एक में ऐड किया गया, दूसरे में सब्ट्रैक्ट, दूसरे में ऐड, तीसरे पहले में सब्ट्रैक्ट किया गया रहेगा, तो हमेशा सेम रहेगा, तो वही सेम वैल्यूज लिख देना, साइंस हमें कोई मतलब नहीं करना है, ठीक है वैल्यू। उसके बाद अपॉन में जो दो रेशियो दिए ना इनका क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके, दैट इज 2:2 4 और 3:1 3। अब क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके हमारा ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो दैट मीन्स 4-3 1, बस यही 6 जो होगा हमारा फैक्टर होगा। अब फैक्टर आ गया, सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे, 3+2 5, तो दैट मीन्स 5 × 6 30 हमारा सम ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है ना, समझ में आया ना फ्रेंड। अगर यहाँ पे नंबर पूछता तो हम डायरेक्ट कर देते 6 × 12, एक नंबर हमारा 12 होगा, दूसरा नंबर हमारा 18, बड़ा वाला नंबर पूछता तो 3x हमारा बड़ा वाला नंबर होता, दैट मीन्स 18 हमारा बड़ा वाला नंबर होता, कुछ भी पूछता हम बहुत आसानी से निकाल लेते, तो समझ में आया फ्रेंड ये ट्रिक क्या है हमारी। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते, उसके बाद हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी है मनी इन द रेशियो, और फ्रेंड कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा नंबर्स रहे, मनी भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी है, कि मतलब ए और बी के पास मनी जो है वो 2:1 के रेशियो में है। अब बोल क्या रहा है कि ए गिव्स 2 rupees to b। अब फ्रेंड जैसे यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में ध्यान से, कि अगर हमारे पास मान के चलो 10 रुपये है, तो अगर मैं किसी को 5 रुपये दे रहा हूँ तो मैं अपने पास से 5 रुपये कम कर रहा हूँ ना, दे रहा हूँ उसको, मतलब अपना 5 रुपये कम करूँगा, उसको 5 रुपये दूंगा तो उसका बढ़ जाएगा, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए है वो 2 रुपये देता है, जिसका मतलब 2 रुपये इसका कम हो जाता है, और बी को दे रहा है तो बी का 2 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस वाला केस हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब उसके बाद जब ये हो जाता है तो ये जो दोनों ए और बी के पास पैसा जरूरत है उसका रेशियो 1:1 का हो जाता है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि कितना पैसा उन लोगों के पास था पहले, दैट मीन्स ये वाला फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इसका जो फैक्टर होगा फर्स्ट रेशियो का ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 2 × यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स 2 अपॉन में, दैट मीन्स 2 और -1 1, तो दैट मीन्स 4, फैक्टर हमारा 4। ये देखिए फ्रेंड हम कितनी जल्दी कर लिए, मैं आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर लिया, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं, जो दूसरा रेशियो रहेगा जिसका हम फैक्टर नहीं फाइंड करना, जैसे इसका हम फैक्टर नहीं फाइंड करने ना, पहला वाला जो सेकंड रेशियो रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे उसके टर्म को, तो यहाँ पे ऐड किया 1 1
टू हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया, तो उस टू को मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स टू इन टू वन, तो डैट मीन्स टू हो जाएगा, और इधर माइनस वन, सब मल्टीप्लीकेशन करके क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बन जाए, सॉल्व कर लेंगे फोर, तो फैक्टर जो है हमारा फोर आ गया। अब हमें क्या पूछा, इनिशियल नंबर, तो मतलब इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही इनिशियल नंबर होगा, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है और फैक्टर हमारा फोर है, तो ये हो जाएगा एट एंड फोर। तो यही ए के पास पहले एट 8 रुपया था और बी के पास 4 रुपये थे, तो यही हमारा आंसर, दैट मीन्स हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्टुअल मेथड देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड कॉन्सेप्ट इज पावर। तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि दो नंबर, पहले बता दिए कि उनके पास जो पैसा था वो 2:1 के रेशियो में था, तो मान लेते हैं अगर हमें इंडिविजुअल का पैसा चाहिए कि एक के पास कितना था, ए के पास कितना पैसा, बी के पास कितना पैसा, तो हम एक्स लिख करके कर लेंगे, तो ए के पास हम कर देंगे कि 2x पैसा था और बी के पास कह देंगे कि एक्स पैसा था, एक्स हमने वही फैक्टर लेट कर लिया। अब हम क्या, यही फैक्टर हम फाइंड करते थे ना प्रेंटिक से। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए जो है 2 रुपये दे देता है, तो दैट मीन्स इसके पास 2 रुपये कम हो जाएंगे, और बी को दे देता है तो बी के 2 रुपये बढ़ जाएंगे, और यही जब देने के बाद जो नया रेशियो हो जाता है, मतलब उनके पास जो पैसा है वो 1:1 के फॉर्म में हो जाता है, दैट मीन्स ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x-2 = ये इधर जाएगा तो x+2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x = ये 2 इधर जाएगा तो 4, x = 4, यही फैक्टर देखिए 4 आया था ना फ्रेंड, और वही हमने ट्रिक किया था। इतने सब स्टेप्स करने के बजाय हम चुटकियों में तुरंत कर लेंगे फ्रेंड, टाइम नहीं लगता है, बस समझाने में आपको टाइम लगा नहीं, आप देखिए चुटकियों में कर लेंगे। तो फ्रेंड ये ट्रिक आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फ्रेंड जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप कोई भी ट्रिक मिस ना करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।